तरीके से जेल के अंदर बैठ के अविनाश चला रहे हैं पूरे घर को, और पहला मोहरा हेमा को बना लिया है। और हेमा को जो है बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया है कि अगर, हेमा जी मैं आपको बताता हूं, अगर मैं बाहर रहता ना और कोई भी मेरे को रोक के दिखा देता कि गैस नहीं चलाऊंगा, सब लोगों ने अनशन किया कि भाई हम लोग खाना नहीं खाएंगे। मैंने क्या बोला, मेरे को खाना मिल रहा है, मेरे को खाना खाना है। मैंने अपना खाना निकाला, बनाया, खाया, कोई रोक पाया, नहीं रोक पाया। अगर आपको खाना है खाना, अगर आपको मिल रहा है खाना, तो आप भी बनाइए। तो हेमा ने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर मैं ये चीज़ करती हूँ तो अविनाश तुम मुझे बताओ कि क्या दोगे, मुझे राशन दोगे? तो बोला हाँ, दो आलू दे दूंगा, दो प्याज दे दूंगा, और चावल तो ठीक है, मैं तुमको वो खोल के तुम्हें मैं आटा भी दे दूंगा जिससे 6 रोटी बन जाएगी। बोले ठीक है, फिर मैं चाहत को पूछती हूँ कि उसके साथ मिलके जो है वो मैं कर लूँ। अभी ये हेमा से शुरू हुई और चाहत ने जो है गैस चलाना शुरू किया, और तब आ गया बीच में रज्जत कि चला के दिखा, बीच में आ गई चुम्मक कि चला के दिखा, क्योंकि इनको खाना मिल नहीं रहा है। अगर ये खाना बनाएंगी तो भाई कहीं ना कहीं अविनाश को भी मिल जाएगा। तो ये चीजें जो है अविनाश ने करनी शुरू कर दी है। अब जो है शुरू हो रहा है वो वाली लड़ाई, शुरू होने वाली है वो वाली लड़ाई जिसका प्रोमो जो है आप लोगों ने देखा है। जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई जो है, जो कि जेल के अंदर से काफी सारी चीजें जो है वो डील करता है, काफी सारी चीजें जो है वो करवाता है, वैसे जो है मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूं भाई। अभी लॉरेंस बिश्नोई जो है वो चल ही रहा है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। बाबा सिद्दीकी जी के साथ जो चीजें हुई हैं वो एक्चुअली में उसी गैंग ने अपनी जिम्मेदारी ली है कि हमने ये सब चीजें करवाया है, तो इसीलिए ये नाम ट्रेंडिंग में चल रहा है। और वैसा ही सिमिलर चीजें जो है अब इस घर के अंदर भी हो रही हैं, और लॉरेंस बिश्नोई के जैसा ही जो है इस वक्त जेल में दिखाई भी दे रहा है अविनाश। तो वही चीजें जो है वो सलाखों के पीछे कर रहा है, वही सब चीजें ये भी सलाखों के पीछे कर रहा है। तो कुछ कंपेरिजन्स होते हैं, कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज होती हैं जो कि मैच होती हैं, जिसकी वजह से कंपेयर जो है वो किया जाता है। तो ये भी सब चीजें जो है वो हो रही हैं। अब देखते हैं कि तांडव और भी कितना ज्यादा बनता है। और तो और अविनाश ने जो है मुस्कान से भी एक डील की है। देखिए, मुस्कान को बोल दिया कि देख मुस्कान, अगर तेरे को भूख लगी है तो मेरे पास अनार है, सेब है, ऑरेंज है, मैं तेरे को दे दूंगा, ठीक है, तू कट करके उसका फ्रूट सैलेड बना के जो है वो खा लेना, ओके, ऐसे करके ओके। तो वो, उसने भी बोला हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी, पर अब मुझे भूख नहीं लगी, जब लगेगी ना अविनाश मैं आपसे जो है वो मांग लूंगी। अभी मुस्कान तो इतनी ज्यादा अच्छी है ना, वो किसी के साथ बुरा करती है ना इसके साथ बुरा करती है, तो आखिरकार अविनाश के तो बिल्कुल भी जो है मुस्कान के ऊपर गुस्सा उतरना ही नहीं चाहिए। पर अविनाश जो है जेल के अंदर बैठे हुए अपनी इंसानियत काफी सारी दिखा रहे हैं, काफी सारी जगहों पर अपनी इंसानियत जो है दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि शहजादा ने भी बोला कि भाई मैंने जो है उससे कुछ नहीं मांगा, पर उस बंदे को पता था कि मैंने कल रात से कुछ खाया नहीं हुआ, क्योंकि कल रात मेरी भूख के ऊपर मेरी नींद जो है वो हावी हो गई। और तो और मैं जो हूं ना, उसने मेरे को बुलाया और बोला कि भाई मेरे को पता है भाई तूने कुछ खाया नहीं है, मैंने नायरा को जो है आलमंड मिल्क दे दिया है, उससे लेके आलमंड मिल्क पी ले। ये चीज जो है उसने बोली, जब सामने से बंदा अपनी ईगो छोड़ के झुक रहा है तो आखिरकार फिर मैं क्यों ना वो सब चीजें करूं, तो मैं भी अच्छे से बात कर रहा हूं। तो अब शहजादा जो है एकदम ठीक हो चुका। शहजादा का कहना ये है कि मेरा तो कोई पंगा भी नहीं था, उसने बस ये बोला कि तुम सब लोग फट्टू हो, मैंने ये बात बोली कि भाई फट्टू किसको बोल रहा है, बस और कुछ बात नहीं, मेरा कौन सा कुछ ज्यादा पंगा या वो मेरे साथ ऐसा सब चीजें क्यों करेगा। तो ये चीजें जो है अब घर के अंदर चल रही है। तो पहला मोहरा जो है बना लिया है अविनाश ने, अभी कुछ ही देर में होने वाली है सौन वाली लड़ाई। और तो और रजत दलाल ने धमकी दे दी है कि भाई अब गैस नहीं चलेगी, जो कि आप लोगों ने प्रोमो में देखा, प्रोमो में एक्चुअली मैं हाँ देखा, बट उसके आगे पीछे का मैंने कल रात को ही आप लोगों को बता दिया था, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।